हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केनन व्लॉग्स। आज हम अपने ऑर्चर्ड में पोस्ट हार्वेस्ट का जो थर्ड स्टेप है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं। हम अपने ऑर्चर्ड में आज खाद डाल रहे हैं। दोस्तों, मेरे ऑर्चर्ड में हार्वेस्ट किए हुए लगभग एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो ये आइडल टाइम है सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल एप्लीकेशन करने का अपने ऑर्चर्ड में, क्योंकि अब अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर भी लेते हो तो प्लांट ग्रोथ की तरफ नहीं भागेगा। और ये जो सॉइल एप्लीकेशन द्वारा जो खाद डाली है मैंने, उसको अपटेक करेगा और अपने अंदर स्टोर कर देगा नेक्स्ट ईयर के बर्ड बिल्डिंग के लिए। मैं अपने ऑर्चर्ड में नाइट्रोजन डाल रहा हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो खाद होती है, वो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए, पर अभी पोस्ट हार्वेस्ट के बाद हमें ग्रोथ नहीं चाहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए एनर्जी चाहिए, जिससे वो बर्ड बिल्डिंग की तरफ, जो उसको स्टोर करे और वो नेक्स्ट ईयर वो बर्ड बिल्डिंग की ये उस एनर्जी का यूज़ कर सके। तो एक बड़े प्लांट को, एप्पल प्लांट को, लगभग 700 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। मैं खाद की बात नहीं कर रहा, मैं नाइट्रोजन कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो एक बड़े प्लांट को एक साल में लगभग मिनिमम 700 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। और जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वो है यूरिया, जिसमें 46% होता है। यानी अगर आप यूरिया अपने ऑर्चर्ड में अप्लाई करते हैं, तो लगभग आपको बड़े प्लांट में पर प्लांट 1.5 किलो के करीब यूरिया की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। मैं इस बार अपने ऑर्चर्ड में यूरिया अप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने पर प्लांट 1.5 से 1.75 किलो बड़े प्लांट में, और छोटे प्लांट में 0.5 से 1 किलो के करीब यूरिया डाला है। यानी कि 700-800 ग्राम नाइट्रोजन बड़े प्लांट में। अगर आपके ऑर्चर्ड में हैवी से मीडियम क्रॉप है, थी इस सीज़न में, तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे नेक्स्ट ईयर के लिए पौधा, आपका प्लांट तैयार हो सके फिजिकली। तो हमारे ऑर्चर्ड में इस बार मीडियम क्रॉप थी, तो मैंने पोस्ट हार्वेस्ट के जो तीनों स्टेप्स है, पहला सेब तुरान के बाद ब्लाइटॉक्स, फिर जिंक मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की स्प्रे, बोरोन की स्प्रे, और अब सॉइल मैनेजमेंट आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इन तीन, ये जो तीन स्टेप्स है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में, और ये मैं तीनों कंप्लीट कर चुका हूँ आज। सो गाइज, ये था आज का व्लॉग। Please like, share and subscribe my channel, Kenan Vlogs. Thank you so much for watching this video.